हे विवा फैमिली, सो आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। सो ब्लॉग के साथ साथ हमारे नए घर में भी आप लोगों का स्वागत है। तो इतने दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, तो भाई इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि हम शिफ्टिंग में बिजी थे। तो जो हम पुराने घर में रह रहे थे वो हमको थोड़ा छोटा पड़ रहा था। छोटा तो नहीं बोल सकते लेकिन वो हमारे लिए बहुत छोटा था, क्योंकि भाई आकाश भाई को एक अलग रूम चाहिए था, एक रूम मुझे चाहिए था, एक रूम हमारे मॉम डैड को चाहिए था और एक रूम हमको हमारा व्यू ऑफ डोल का जो सेटअप है उसके लिए चाहिए था। तो ऐसे करके भाई हमको एक थोड़ा बड़ा घर चाहिए था। सो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है तो हम सब खुल के रह सके। सो आप लोगों ने मेरा वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले मैं देता हूँ ये मेरा रूम का टूर और उसके बाद मैं दिखाता हूँ मेरा शूज कलेक्शन। तो ये है मेरा रूम और ये है आकाश भाई का रूम, लेकिन आकाश भाई का रूम मैं दिखाऊंगा होम टूर में। सो फिलहाल चलते हैं मेरे रूम में। सो सबसे पहले मैं क्लोज कर देता हूँ ये रूम। सो ये रहा मेरा बेड, अभी मैं पूरा फैल के सो सकता हूँ। तो ये मेरा बेड है और ये मेरा पूरा वार्डरोब। और फिर हम चलते हैं यहाँ पर और सबसे फेवरेट कॉर्नर ये है, क्योंकि भाई ये कॉर्नर में सब कुछ है। मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाता हूँ। सो अभी हम चलते हैं यहाँ पर। तो ये मेरा मेन पीसी है जिस पे मैं एडिटिंग करता हूँ, जो थंबनेल हो गया, ये व्लॉग्स हो गए, सब मैं ये पीसी पे एडिट करता हूँ। तो ये पूरा ड्यूअल मॉनिटर सेटअप है। और फिर हम आते हैं नीचे। सो मेरा नया आईफोन 11 प्रो मैक्स, तो कल ही आकाश भाई ने मुझे गिफ्ट करा है ये फ़ोन। फिर ये मेरा लैपटॉप, इसको मैं कैरी करके जा सकता हूँ क्योंकि बेस्ट एडिटिंग के लिए। और ये रहा फ्यूजी फिल्म का इंस्टा SQ20, तो ये डिजिटल कैम भी है और यहाँ से प्रिंट भी निकल सकती है, तो बस फोटो खींचो और प्रिंट निकालो। और ये मेरा टैबलेट सैमसंग का, देख लो आप लोग सैमसंग का। और ये मेरा बीस्ट बेस्ट फॉर एडिटिंग। और चलते हैं ये चेयर की तरफ। तो ये गेमिंग चेयर नहीं है, गेमिंग चेयर मैंने आकाश भाई को दी है। सो ये वॉल पे मेरा टीवी। फिर नीचे जाता हूँ तो ये मेरा होम थिएटर 2.1 चैनल का। और फिर ये टैबलेट है लेकिन ये बंद है, आई डोंट नो ये चालू ही नहीं हो रहा है, चालू होता है तो लैग करता है बहुत। सो इसीलिए यहाँ ही छोड़ दिया है मैंने। फिर ये एक गेमिंग कंट्रोलर है, तो ये एक अलग पीसी है, इसको मैंने आउटपुट दिया है ये टीवी में। तो जब भी फ्रेंड्स आते हैं मेरे घर पे या फिर मेरा गेम खेलने का मन करता है तो मैं ये सीधा पीसी चालू कर देता हूँ और एक बड़े से स्क्रीन में उसका आउटपुट निकलता है, तो भाई बहुत ही मज़ा आती है गेम खेलने में। सो इसीलिए मैंने ये वायरलेस गेम कंट्रोलर लिया है, तो भाई हम पूरा बेड पे लेट लेट के हम गेम खेल सकते हैं। तो बस यही है मेरा छोटा सा रूम। ये सबसे फेवरेट कॉर्नर है। तो वैसे कोई लोग बोले ना कि भाई ये एक पीछे डोर दिख रहा है, उसके पीछे क्या है वो भी दिखाओ, आपने कुछ दिखाया नहीं, तो मैं वैसे दिखा देता हूँ। ऐसे इसके पीछे है वॉशरूम। तो ये मेरा वॉशरूम है मेरे रूम का। तो अभी मैं फटाफट जाकर मेरे सब शूज में निकल के ये बेड पर रख देता हूँ, क्योंकि आधे शूज ये मेरे बेड के नीचे है और आधे शूज है आकाश भाई के बेड के नीचे। तो मैं सब इकट्ठे करता हूँ और उसके बाद मैं दिखाता हूँ। ये रहे मेरे सारे शूज, तो मैं आप लोगों को नजदीक से दिखाता हूँ। तो ये देख लो सारा बेड भर गया है मेरा। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो ये है स्केचर्स के फोर्जा 3, फिर ये है नाइकी के रिटालिएशन TR2, और ये भी नाइकी के है, ये है नाइकी के मैटकॉन स्पॉट, फिर ये है प्यूमा ब्लेज, और
ये है जॉर्डन वाई नॉट 01। फिर यहाँ पर आते हैं तो ये है नाइकी के टैग ट्रेनर। फिर ये है नाइकी के एयर सीरीज में एयर प्रिसीजन 2, ये ब्लैक वाला। ये है नाइकी के एयर मैक्स इन्फ्रारेड। फिर ये वाइट स्नीकर्स नाइकी के, ये है डिलेटा। और अभी हम थर्ड रो की तरफ आगे बढ़ते हुए आए और ये है प्यूमा के रेड स्नीकर्स। फिर ये भी प्यूमा के है, ये है पूरा वाइट है, ये वाइट स्नीकर्स। फिर ये हाइकिंग शूज़ है टिम्बरलैंड के, तो बेस्ट है ये। जब मैं शिमला और मनाली गया था तो ये शूज़ पहन के गया था, तो बेस्ट है, वाटरप्रूफ है और कुछ होता ही नहीं है हमारे पैर को। ऊपर से गाड़ी चली जाए तो भी कुछ भी नहीं होता है। बेस्ट है ये। फिर ये है एडिडास के अल्फा बाउंस। अभी बढ़ते हैं फोर्थ रो की तरफ, तो ये है लोटो के, उसका नाम मुझे नहीं पता है लेकिन ऐसे स्पोर्ट्स शूज़ है ये लोटो के। फिर ये है प्यूमा के इग्नाइट सीरीज के शूज़। तो वैसे ये शूज़ बेस्ट है रनिंग के लिए। फिर आते हैं ये तीनों तीन, ये दिख रहे होंगे एक दो और ये, तो ये तीनों तीन शूज़ फिला के है, तो ये राइडिंग शूज़ है। ये शूज़ और ये शूज़ में सिर्फ डिफरेंस क्या है, सिर्फ कलर का ही डिफरेंस है। तो ये ब्लैक एंड ऑरेंज है, तो ये है ब्लू वाइट और रेड। सो सबसे फेवरेट मेरे ये है। फिर ये भी राइडिंग शूज़ है, ये है फिला के, लेकिन ये हाई एंकल है, तो बेस्ट है ये राइडिंग के लिए। हम सिटी में बाइक चलाते हैं तो ये दोनों बेस्ट है, लेकिन हम हाईवे पे जाते हैं तो रिस्क ज़्यादा रहता है, तो ये हाई एंकल शूज़ अच्छे है। सो वैसे ये 19 शूज़ है, ये सार है। सो वैसे मेरी और आकाश भाई की साइज तो सेम ही है शूज़ की, तो मेरा 10 नंबर है और आकाश भाई का 11 है। तो कोई कोई बार भाई भी पहन लेता है, कोई बार मैं भी पहन लेता हूँ, क्योंकि भाई भाइयों में तो सब कुछ चलता है। सो वैसे ये शूज़ आकाश भाई ने थोड़े दिन पहले लिए, फिर ये शूज़ है, तो इनमें से कोई कोई शूज़ तो ऐसे है कि हम लोग पहनते ही नहीं है रेगुलर, ऐसा 2-3 महीने में सिर्फ एक बार पहना हुआ है। और ये शूज़ तो अभी तक आकाश भाई ने नहीं पहना है, और ये शूज़ भी आई थिंक नहीं पहना है आकाश भाई ने। ऐसा ये मेरा जो जॉर्डन है वो मैंने सिर्फ कितनी या 2 या 3 ही बार मैंने पहना है, तो देख लो सारे शूज़। और इनमें से आपका कौन सा शूज़ फेवरेट है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे आज टेरेस पे बहुत ही शांति है, आज गर्मी भी नहीं लग रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आज ऊपर से बारिश भी नहीं है। देख लो कितनी शांति है चारों ओर। सो वैसे आप सभी को आज का वीडियो ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप सभी चाहते हैं कि मैं एक अलग से होम टूर का वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो चलिए अभी मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। सो बाय बाय। ये है स्टूडियो का रूम, लेकिन ये रूम देखने को मिलेगा आपको होम टूर में, और ये रूम है